बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफपीआई। टुडे वी विल डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स हार्ड सरफेसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आज हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। Now let us see. The reflection of sound is utilized in the working of various devices. ये reflection of sound जो है ये utilize होता है बहुत सारे devices में, such as megaphone, bulb horn, stethoscope, sound board, etc. Megaphone में भी, bulb horn में भी, stethoscope में भी, साउंड बोर्ड एटसेट्रा, इसके बगैर भी बहुत सारे डिवाइस में यूज होता है, यानी वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो मेगाफोन आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इस पर्सन के पास ये मेगाफोन है, ठीक है। ये आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, ये कुछ यहाँ पे बोल रहा है और इसकी वॉइस जो है वो दूर दूर चली जाती है, वो दूर दूर वो वॉइस इसकी पहुँचती है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मेगाफोन। It is a large cone-shaped or funnel-shaped device for amplifying and directing the voice of person who speaks into it. ये क्या है? Cone-shaped और large या funnel-shaped device होता है, cone-shaped भी या funnel-shaped device होता है, for amplifying, यानी amplify का मतलब है कि आवाज, यानी ऊंची आवाज में, आवाज ऊंची आवाज में आनी चाहिए। जब कोई पर्सन बात करते हैं तो वो यानी धीमी आवाज में कहता है, लेकिन जब भी मेगाफोन, वो मेगाफोन पे जब वो कुछ बात करता है, कुछ बोलता है, तो उसकी आवाज दूर दूर चली जाती है, उसी को बोलते हैं एम्पलीफाई करना, ठीक है। यानी आवाज दूर दूर पहुंचना इस डिवाइस के जरिए, उसको हम एम्पलीफाइंग डिवाइस कहते हैं या एम्पलीफायर कहते हैं। क्या होता है एम्पलीफाइंग? मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं आप बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप मेरी बात अच्छे से सुन रहे हैं। अब ऑडियंस थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो मेरी आवाज अब उन तक नहीं पहुंचेगी। मैं क्या यूज करूंगा? मैं मेगाफोन पे बात करूंगा और मेरी आवाज उन तक अब पहुंचेगी। अब मेगाफोन एक्ट करता है एज एम्पलीफाइंग डिवाइस, ठीक है, एंड डायरेक्टिंग द वॉइस, ठीक है, और ये आवाज उन तक पहुंचाता है ऑफ पर्सन हु स्पीक्स इनटू इट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लाउड हेलर और स्पीकिंग ट्यूब। इसको स्पीकिंग ट्यूब भी कहते हैं या लाउड हेलर भी इसको कहते हैं। इट वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शन साउंड को इसमें होते हैं, तब जाके वो ऑडियंस तक वो वॉइस पहुंचती है स्पीकर की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये इस पर्सन के हाथ में मेगाफोन है, यहाँ पे ये बात करता है, ही इज टॉकिंग, एंड देखिए ये वॉइस दूर दूर चली जाती है इसकी वॉइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन्स के जरिए दिखाया, इसका मतलब है कि वॉइस दूर दूर चली जाती है। ये जो कून शेप्ड होता है, इसी को मेगाफोन कहते हैं, या फनल शेप्ड ये होता है, इसको मेगाफोन कहते हैं। इसके अंदर लाइट, इस साउंड को मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, तब जाके वो एम्पलीफाई होके पर्सन तक पहुंचती है, ऑडियंस तक पहुंचते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं कि साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, वो बल्ब हॉर्न है। बल्ब हॉर्न क्या है? पहले आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बल्ब हॉर्न है, ठीक है, ये भी फाइनल शेप्ड या कोन शेप्ड होते हैं, और यहाँ पे इसका ये प्लास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इसको हाथ से दबाया जाता है, एयर फोर्स यहाँ से निकलता है, ठीक है, आयर निकलता है यहाँ से, फिर वापस आता है, फिर ठीक है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आयर निकलता है, जब इस हमको लूज करते हैं, लूज छोड़ते हैं, तो ये क्या आयर वापस आ जाता है, जब प्रेस करते हैं तो आयर निकलता है, जब यहाँ पे हम हाथ, हमने इसको दबाया, ठीक है, तो आयर रिमूव हो गया। जब हमने इसको, अब हाथ हमने थोड़ा इसको इस पे क्या हटाया हाथ, ठीक है, हमने हाथ यानी अब हम इसको प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आयर वापस इसमें चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और वो वॉइस, वो साउंड दूर दूर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज बल्ब हॉर्न। इट इज अ कून शेप्ड विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर सिग्नलिंग इन बाइसिकल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बोट्स एटसेट्रा। इट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। ये बाइसिकल्स में हम यूज करते हैं, बस में यूज करते हैं, ठीक है, ट्रक्स में, बोट्स में, उसके बगैर भी बहुत सारे नए पर्पज के लिए हम यूज इसको करते हैं।
आपने देखा होगा वो जो यानी बाइसिकल्स पे या मोटरसाइकिल पे वो आइसक्रीम्स यानी आइसक्रीम बेचने के लिए आता है, ठीक है, उसके पास यही बल्ब हॉर्न होती है, ठीक है, वो इसको दबाता है और आवाज़ यानी वॉइस यानी सिग्नल प्रोड्यूस होती है, जिससे फिर हमें पता चलता है कि आइसक्रीम वाला आ गया, ठीक है। तो इट इज अ कोन शेप्ड विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर सिग्नलिंग इन बाइसिकल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बोट्स एटसेट्रा। इट वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यही बल्ब हॉर्न कहलाता है। दूसरा है कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको पता है कि ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डॉक्टर इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी, मेनली इन द हार्ट एंड द लंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली चेस्ट पीस, टू एयर पीसेस एंड रबर ट्यूब। तो स्टूडेंट्स, स्टेथोस्कोप क्या है? ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल डिवाइस होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ताकि उनको साउंड यानी वो फॉर लिसनिंग टू द साउंड्स, ठीक है, यानी वो आवाज सुनने के लिए इसको यूज करते हैं। कौन सी आवाज सुनने के लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिल की धड़कन, ठीक है, हम हार्ट बीट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए, या ठीक है, मेनली इन द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, हार्ट में जो यानी वो हार्ट बीट जो होते हैं उसको ये लिसन करते हैं डॉक्टर्स बाय यूजिंग दिस स्टेथोस्कोप, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी, जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मेनली इन द हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है, इनमें जो इन्हें जो साउंड प्रोड्यूस होता है लंग्स में, हार्ट में, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड, उसको लिसन करने के लिए, उसको सुनने के लिए डॉक्टर्स यानी स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। हम अगर ऐसे ही किसी यानी ऐसे यानी विदाउट यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट हम आवाज यानी जो दिल की धड़कन होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट जो होते हैं उसको अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है, जिससे डॉक्टर्स को पता चलता है कि इस पर्सन की, इस पेशेंट की ये जो हार्ट बीट क्या है, ज्यादा है कि काम है, ठीक है। उनको पता होता है कि पर सेकेंड में या ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितने यानी हार्ट बीट, पल्स रेट क्या होते हैं, वो उनको पता होता है कि ठीक है 72 1 मिनट में 72 यानी ये हार्ट बीट होती है, ठीक है, 72। तो और ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि स्टेथोस्कोप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेथोस्कोप क्या है। इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी, मेनली इन द हार्ट एंड द लंग्स। इन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, इस स्टेथोस्कोप में तीन पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक को बोलते हैं चेस्ट पीस, और होता है टू एयर पीसेस, और एक रबर ट्यूब। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेथोस्कोप है। ये देखिए, इसमें ये टू ईयर पीस होते हैं, ये एक ईयर पीस, ये दो ईयर, ये एक ईयर पीस, तो कितने ईयर पीस होते हैं इसमें? दो ईयर पीस, और रबर ट्यूब होता है, ठीक है, और यहाँ पे चेस्ट पीस होता है। तो ये चेस्ट पीस और ईयर ट्यूब्स, ये ईयर पीसेस, चेस्ट पीस और एयर पीसेस, ये कनेक्ट रहते हैं किसे? रबर ट्यूब से। तो तीन पार्ट्स होते हैं स्टेथोस्कोप में, एयर, टू ईयर पीसेस, वन रबर ट्यूब एंड वन चेस्ट पीस। और इसमें क्या होता है? इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या किया जाता है चेस्ट पीस? अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज चेस्ट पीस। इट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम। ये जो चेस्ट पीस होता है, इसके बॉटम पे, ये देखिए, ये जो चेस्ट पीस होता है यानी जो चेस्ट पे रखा जाता है, डॉक्टर्स इसको चेस्ट पे रखते हैं, और ये जो ईयर पीस होते हैं इसको कहाँ पे रखते हैं? डॉक्टर्स ये ईयर पीस अपने कान में रखते हैं, और ये जो चेस्ट पीस, ये पेशेंट के चेस्ट पे रखा जाता है। इस चेस्ट पीस के बॉटम पे डायफ्राम होते, एक मेम्ब्रेन होती है, ये कहाँ पे रखी जाती है? ये चेस्ट पीस कहाँ पे रखा जाता है? पेशेंट के चेस्ट पे। इट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम, द डायफ्राम एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स एटसेट्रा। हार्ट बीट को या लंग्स की साउंड को, ठीक है, ये एम्पलीफाई करता है ये डायफ्राम।
टू ईयर पीसेस विच आर मेड ऑफ मेटल ट्यूब्स आर पुट बाय द डॉक्टर्स इन टू हिज ईयर्स। तो डॉक्टर्स ये दो ईयर पीस को अपने कान में रखता है, ठीक है, और वो इस आवाज को, दिल की धड़कन को, हार्ट बीट को, या लंग्स की वॉइस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता, अच्छे से सुनता है। A rubber tube joins the chest piece to the earpiece. The rubber transmits the sound from the chest piece to the earpieces. अब chest पे क्या हो, chest piece के साथ वो डायफ्राम होता है, वो एम्पलीफाई करता है इस साउंड को, ठीक है। अब इस साउंड को, इस हार्ट बीट को डॉक्टर्स को सुनना है, ठीक है। तो ये वॉइस, ये साउंड थ्रू, यानी डॉक्टर्स की कान तक पहुंचता है थ्रू दिस रबर ट्यूब, ठीक है। द रबर ट्रांसमिट इज द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस, चेस्ट पीस से डॉक्टर के कान, कानों तक ये आवाज पहुंचती है, ये साउंड पहुंचती है थ्रू रबर, ठीक है, रबर ट्यूब। सो द रबर ट्यूब एक्ट्स एज अ ट्रांसमीटर, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है द साउंड को फ्रॉम द चेस्ट पीस टू द आई पीसेस, ईयर पीस, सॉरी ईयर पीसेस। द रबर ट्रांसमिट इज द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस, ठीक है, ईयर पीस होता है इसमें। स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये भी ऑपरेट होता है, ये भी, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स ये देखिए फिर से, ये आपने कई बार देखा होगा, ये स्टेथोस्कोप कहलाता है, ये चेस्ट पीस है, ये रबर ट्यूब है, और ये एयर पीसेस हैं। और इस एयर, इस रब, ये जो यहाँ पे ये क्या है, रबर ट्यूब जो है, इसके अंदर ये देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, फिर ये साउंड डॉक्टर्स के कान तक पहुँचती है, ठीक है। और जो सेकंड है वो है साउंड बोर्ड, ठीक है। साउंड बोर्ड क्या होता है, इट इज अ कॉनकेव बोर्ड, कर्वड बोर्ड, कॉनकेव मीन्स कर्वड बोर्ड होता है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर इन इन लार्ज हॉल्स और ऑडिटोरियम्स सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड, इसलिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स ये साउंड बोर्ड जो है, आपको पता है बड़े बड़े, बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े इजलास जो होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहां बहुत बड़े ऑडियंस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब जब कोई पर्सन बात करता है तो उसकी आवाज अच्छी तरह से उन, यानी ऑडियंस तक, लोगों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, क्योंकि उन लोगों के वो कपड़े, उनके उन्हें कपड़े जो होते हैं, या वहां पे जो सोफा सेट्स वगैरह जो होते हैं, या बिल्डिंग्स के जो वॉल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं उस साउंड को, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को। तो अब क्या किया जाता है, स्पीकर के नज़दीक वहाँ पे क्या, जो स्पीकर होता है, जो पर्सन जिसको स्पीच देने होते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है जिसको हम साउंड बोर्ड कहते हैं। ये कनके होता है, ये कर्वड होता है, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर इन लार्ज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स में या ऑडिटोरियम्स में स्पीकर के बिहाइंड रखा जाता है सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजिली, ताकि उसकी स्पीच अच्छे से, यानी और आराम से, इजिली से सुना जाए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये साउंड बोर्ड है, यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, ये कुछ, यानी जो ये बात करता है वो इस साउंड बोर्ड के साथ टकरा कर रिफ्लेक्ट होते हैं ऑडियंस तक, ठीक है। ये कर्वड होता है, ये देखिए कर्वड बोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी सोर्स ऑफ साउंड, यानी यहाँ पे जब कोई पर्सन होता है, ये उसके लिए फिक्स डिस्टेंस पे रखा जाता है, और ये जब बात करता है वो इसके साथ टकरा कर, ठीक है, ऑडियंस तक रिफ्लेक्ट होकर पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम दिखा, यहाँ पे ये स्पीकर है, ठीक है, ये देखिए ये इस कर्वड, यानी जो कान के वाल है, यहाँ पे कान के बोर्ड जो है, इसके साथ टकरा कर फिर कहाँ जाती है, ऑडियंस तक जाती है। तो ये साउंड बोर्ड कहलाता है। इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम साउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल्स, सीलिंग, सीट्स एटसेट्रा, सो ए कर्वड बोर्ड और साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजली बाय ऑडियंस। तो ये देखिए, ये दूसरी फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे स्पीकर है, ठीक है, ये यहाँ पे स्पीच दे रहा है, यहाँ पे ये कर्वड बोर्ड है, दैट मीन साउंड बोर्ड है, इसके साथ इस बोर्ड के साथ ये आवाज इसकी टकरा कर, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस तक पहुँचते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, ऑडियंस सिटिंग इन द हॉल, ठीक है। तो ये
ये साउंड बोर्ड के बारे में है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स आर मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सीलिंग रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द हॉल्स। आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस हॉल्स में या कंसर्ट हॉल्स जिनको हम कहते हैं, या कॉन्फ्रेंस हॉल्स या ऑडिटोरियम्स या सिनेमा हॉल्स में, वहाँ पे क्या वो कर्व्ड होते हैं, उनके वॉल्स वहाँ पे कर्व्ड होते हैं ताकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होके वो साउंड ऑडियंस तक पहुँचेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अच्छे से आपको आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।